हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मैं आज आपको वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, रिवर्स लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताऊंगा, उसे कैसे यूज़ करते हैं और हम वी लुकअप क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये डेटा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये रो डेटा है। अब हमारे पास क्या होता है कि रो डेटा दिया होता है और कुछ पर्टिकुलर हेडर की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, ये 1D मैंने इसलिए लिखा है कि 1D का मतलब हमें मैन्युअली टाइप करना होगा, 2D का मतलब होता है आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा और अपने आप आ जाएगा। तो 1D हम कैसे करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। अब जब देख रहे होगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसको फाइंड आउट करना है, यानी कि जिससे वैल्यू उठानी है। मैंने ये कर दिया और याद रहे आपको क्या करना है, फिक्स जरूर करना है। तो ये खिसके नहीं, तो क्या करेंगे हम, कॉलम फिक्स करेंगे, कॉलम फिक्स कर दे कॉमा। आप देख रहे हो टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब ये कि ये जो डेटा है वो कहाँ से आया हुआ है, मतलब कहाँ है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने टेबल एरे इसलिए करा है ये पूरा क्योंकि इनमें से ही हमें वैल्यू चाहिए। अब मान लो मेरा यहाँ तक होगी वैल्यू, तो मैं यहीं तक ही सेलेक्ट करूंगा, बट यहाँ से कहीं पे भी हो सकती है, तो मैंने एम कॉलम तक सेलेक्ट करा। और याद रहे इसको भी फिक्स करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप जब आप ड्रैग करोगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ आती है कि जो ऑर्डर क्वांटिटी वो कौन से कॉलम है, कॉलम ये रखे, अब आपको वो के कॉलम में, तो अब आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखो 11 दिख रखा है, 11, यानी कि 11 है, तो हम क्या करेंगे मैनुअली 11 टाइप करेंगे। इसको भी डायनेमिक करने के लिए बताऊंगा। अब उसके बाद बोलता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच वो होता है सपोज दैट यहाँ पे यदि वैल्यू नहीं मिली तो वो क्या करेगा, कोई भी अप्रोक्सीमेट मैच मिलेगा वो वहाँ पे वैल्यू डाल देगा। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि उस आईडी की वैल्यू मिलेगी तो ही ये दिखाएगा, एल्स एरर दिखाएगा। अब मैंने एग्जैक्ट मैच को, या तो मैं जीरो भी लिख सकता हूँ, जीरो को जीरो भी कर सकता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, देखो 995 आया। अब चेक करते हैं ऑर्डर आईडी का, ये यहाँ है ऑर्डर क्वांटिटी 995 है, यानी कि करेक्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब आप कहोगे यहाँ पे तो वैल्यू चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि लिस्ट प्राइस जो है वो कौन से कॉलम है, हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा लिस्ट प्राइस कौन से कॉलम है। लिस्ट प्राइस है हमारे 12वें कॉलम में। अब आप ये कहोगे ये डेटा इधर हो गया तो भी क्या 12 होगा, हाँ 12 ही होगा, क्यों, आपका जो टेबल है रहे, मतलब कि जो लुकअप वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काउंट होता है इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12 मैंने फिक्स इसलिए करा क्योंकि जब ड्रैग करूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस भी देखते हैं कौन से, यूनिट प्राइस भी 13 में है, तो हमने 13 कर दिया इसको, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इनको ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा यार, ठीक है, ये नीचे तक ड्रैग हो गया। तो ये था 1D का। 1D में हम क्या करते हैं, कॉलम का नेम देते हैं। आप इसको या तो मैनुअली 11 नहीं टाइप करना चाहते तो कॉलम नंबर कर दो, कॉलम कौन सा, कॉलम यहाँ पे बता दो, कॉलम नंबर K है, देखते हैं आता है कि नहीं आता, नहीं आया, क्योंकि ये जो हमने रेफरेंस लिया ना वो गलत लिया है। अब आया केस टू के कॉलम है, तो कोई फायदा हुआ, कॉलम लगेंगे, तो हमने क्या करा 11 लिख दिया मैनुअली। और जैसे जैसे अब मुझे, अब यहाँ पे चेंज करते हैं, कंट्री करते हैं, यहाँ पे कंट्री करते हैं, अब मुझे कंट्री चाहिए, तो कंट्री कौन से कॉलम में, कंट्री कॉलम में है, कंट्री कौन से कॉलम, 9 कॉलम में, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे 9 कर देंगे, ठीक है। अब मैंने 9 कर दिया, देखो आ गया, ट्रैक कर दिया, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या होता है, वीलुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट का डेटा निकालता है, यानी कि जो लेफ्ट में होगा आपका, लेफ्ट में आपकी आईडी होनी चाहिए, या जिससे भी आप लुकअप निकाल रहे हो, जिससे भी आप लुकअप वैल्यू, जो अब मान लो लुकअप वैल्यू मेरा ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, उसके बाद जो हम ये निकाले कंट्री लिस्ट प्राइस, ये राइट में होना मैंडेटरी है, तभी लुकअप वैल्यू काम करे, अदरवाइज हैश नहीं आएगा। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, अब यहाँ पे ऑर्डर डेट की जगह मैं यहाँ पर
कर देता हूँ ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखना चेंज हो गया, देखो रेफरेंस एरर आ गया और ये भी चेंज हो गया, क्यों? कंट्री का जो ऑर्डर डेट है ये अलग आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं A2, ये B से स्टार्ट हो गया जबकि मुझे A से स्टार्ट करना था, A करा। अब देखो हैशन ने आया, क्यों? क्योंकि A में है ही नहीं है ऑर्डर आईडी, बट यहाँ पे मैं डेट करूँगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। अब डेट कर रहा हूँ मैं, देखो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लुकअप वैल्यू जो है मैंने लेफ्ट में ही लगा रखे और लेफ्ट का ही डेटा मुझे चाहिए, तो ही आ रहा है। अब हटा देते हैं जो हमने करा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैच। VLOOKUP 2D से पहले मैच क्यों जरूरी है? मैच क्या करता है? मैच पोजीशन निकालता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पोजीशन कैसे निकाला, 11, 9, 10, 11 ये सब निकाला। वो कैसे निकल सकता है? कैसा कोई फंक्शन? हाँ है ऐसा एक फंक्शन, मैच फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। जब हम पोजीशन निकालेंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा, हमें सिर्फ ड्रैग करने की जरूरत होगी और कुछ करने की जरूरत होगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मंडे, अब मंडे कौन सी पोजीशन पे है? अब मान लो मैंने लुकअप वैल्यू ये पूरा दे दिया तो ये पोजीशन होगी मंडे 5, ओ 1 2 3 थर्ड नंबर पे, बट मैं लुकअप वैल्यू यहां से दूंगा तो ये क्या होगा, वैल्यू सेकंड नंबर पे होगा। बट याद रहे आपको क्या करना है, हमेशा ये ट्राई करना कि आपको जो भी वैल्यू देनी है, जो भी मैच या वी लुकअप से जो भी टेबल एरर देना, वो हेडर विद हेडर दिया करो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई एरर ना आए, ठीक है। अब मुझे पोजीशन निकालना है, इक्वल टू मैच करा मैंने, सेम जैसे वी लुकअप में था, लुकअप वैल्यू कौन सी है, मेरी लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे कौन सा है, मेरा टेबल एरे ये है। मैंने इसको फिक्स कर दी क्योंकि मुझे करना है नीचे, और इसमें भी एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन लेस देन, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने 0 टाइप कर दिया और एंटर कर दिया तो ये थर्ड नंबर पे आया। देखो अब काउंट करते, 1P हो गया, 2P हो गया, सॉरी 2P हो गया, 3P हो गया, ठीक है। अब थर्सडे किस पे है? 4 5 6, 6 नंबर पर थर्सडे है, यानी कि 6 नंबर पर थर्सडे दिखाएगा, ठीक है। 6 नंबर पर थर्सडे दिखा दिया, यानी कि ये हमारा सही है। अब देख लेते, ये तो वर्टिकली था कि वर्टिकली मुझे मैच यूज करना है तो कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, हॉरिजेंटल है हेडर, जो हॉरिजेंटल है मोस्टली यही होता है। अब देखो ऑर्डर क्वांटिटी किस नंबर पे, यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी है वो थर्ड नंबर पे, क्या थर्ड नंबर आएगा देखते हैं। इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये है लुकअप एरे, यानी कि वो एरे जहां से ये डेटा आ रहा है, मेरे ये पूरे हेडर, यानी पूरा हेडर देना है, यानी कि पूरा टेबल, लुकअप एरे लुकअप टेबल सेम ही होता है, पूरा हेडर मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 लगा दिया, ठीक है, एंटर कर, ये थर्ड नंबर पे है। अब मैं यहाँ पे कंट्री चेंज करता हूँ, देखो अपने यहाँ ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया, 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट प्राइस करता हूँ, जो फोर्थ नंबर पे लिस्ट प्राइस करता हूँ, देखो फोर्थ आ गया। तो यानी कि जो हमने जो मैनुअली डाला था 11 12 13 जो भी है, वो अब मैच के थ्रू हो जाएगा। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। हमें सिंपल ही करना है, वी लुकअप लगाएंगे पहले, इसको हम फिक्स कर देंगे, कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉमा टेबल एरे मेरा ये पूरा हो जाएगा टेबल एरे, ठीक है। इसको भी हम फिक्स कर दें, क्यों? क्योंकि हमें ड्रैग करना है, कॉमा हम ऐसे लिख देते कोई सा भी सेल, जैसे कि 2,0 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये थी, डेटा मेरा ये था, इसको मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा सिपमेट का मेरा है शायद 1 2, सिपमेट सिपमेट ये 10th नंबर पे, तो मैंने क्या करा सिंपली यहाँ पे 10th कर दिया, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। इसमें आपको अगर ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 0 फॉल्स होता है और ट्रू 1 होता है, तो या तो आप फॉल्स कर देते, 0 आप 0 करो, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये 10 है, इस 10 को हमें ऑटोमेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कहीं पे एक वी लुकअप लगा, वो मैच लगाएंगे, मैच मेरा लुकअप वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला मुझे कंट्री तो देखना है, कंट्री कौन से कॉलम में उधर। अब मैं फिक्स क्या करूंगा, इसमें एक चीज याद रखना है, फिक्स क्या करना है, फिक्सिंग
मेन इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है, सेल्स रेफरेंसिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, रो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये रो फिक्स हो गया, कॉमा, लुकअप एरे, मेरा लुकअप एरे ये रही, यानी कि ये जो ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रखा है, जैसे हमने वहाँ पे करा था, ये डेटा कहाँ से है, इसको भी फिक्स कर दे, इसमें मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, कॉमा 0, एंटर, ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करा हमने इसको, अब हम जहां पे 10 लिखा हुआ था वहां पे जाके पेस्ट कर दिया, बहुत ही सिंपल पेस्ट कर दिया। अब देखो ये सिप में डेट गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, अब हम चेक करते हैं मैनुअली, क्यों, क्योंकि C1 करा था, यहाँ पे B1 है, तो ये गड़बड़ हो गया, हमने क्योंकि कॉपी करा था ना, हम ड्रैग करते, ये ड्रैग करता तो सही जाता, हमने यहाँ पे कॉपी करा तो इसलिए C1 चेंज ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैनुअली B कर देंगे, ठीक है। अब ड्रैग करोगे, अब यहाँ पे ड्रैग करोगे तो सब चेंज हो जाएगा, कंट्री कंट्री आ जाएगा, कंट्रोल आर आर से होता है हमारा राइट कॉपी, ठीक है। ये देखो सिप में डेट दो दो बार है, मैंने मान लो एक को डिलीट कर देता हूँ, ऑर्डर डेट आ गया, लिस्ट प्राइस आ गया, ये फॉर्मेट में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने राइट करके ड्रैग कर दिया। अब कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कॉपी करेंगे और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा था, पेस्ट स्पेशल वाले से वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे करना है फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम रही, ऑर्डर शिपमेंट डेट मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, इसको डिलीट कर दिया, और देखो हो गया ना, लिस्ट प्राइस की लिस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। अब क्या यहाँ पे चेंज होगा, तो क्या इस पे चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा, चलो करके देखते हैं। ऑर्डर 1 का मैंने कर दिया यहाँ पे, कंट्री कर दिया मैंने इंडिया, ठीक है इंडिया, अब देखते हैं, इसको मैंने फ्रिज पैन लगा देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है, ये मैंने इंडिया करा, अब देखते हैं इसमें इंडिया होना चाहिए, देखो यहाँ इंडिया आ गया ना, ठीक है, यानी कि परफेक्टली काम कर रहा है। अब बारी आते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या करा, मैच करा, मैच क्या करा, पोजीशन बताया कि भाई जो संडे मंडे ये किस पोजीशन में था, अब इंडेक्स क्या करता है, उस पोजीशन की वैल्यू बताता है, यानी कि जो छठे नंबर पे या दूसरे नंबर पे है वो है क्या, वो है हमारा संडे है या वो है मंडे या कोई नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल ले रखा है कि रो 4 और कॉलम 2, इसमें कौन सी वैल्यू है, अब चेक करता है, हमें तो नहीं पता, अब हम जाकर के देखेंगे नहीं, या ये रो 1 है ये वो, मैनुअली तो चेक करेंगे नहीं, हम क्या करें इंडेक्स पे जाएंगे। इंडेक्स क्यों जरूरी है, वीलूकअप से भी बेस्ट है इंडेक्स, इसमें लेफ्ट डेटा हो राइट डेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी डेटा हो ये ले आएगा, इसमें कोई लेफ्ट ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, इंडेक्स इसलिए यूज होता है। अब मैंने इंडेक्स यूज करा, इंडेक्स पहला ही पूछ रहा है अरे, वीलूकअप मैच में क्या पूछ रहा था, पहला पहला वो पूछ रहा था टेबल एरे, पहला वो पूछ रहा था लुकअप वैल्यू, यहाँ पे पहले ही पूछ रहा है एरे, एरे मैंने ये दे दिया पूरा, ध्यान रहे कि हेडर के साथ करना चाहिए हमें हमेशा, मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्यों हमें ड्रैग करना है। अब पूछ रहा है रो नंबर तो मैंने मेंशन कर रखा है 4, ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ये मैंने मेंशन कर रखा है 2, ठीक है, अब ये नहीं आएगा, क्यों, 2 कॉलम तो है नहीं यहाँ पर, तो आएगा क्यों, हम कॉलम नंबर मेंशन कर, अब मान लो मैंने मेंशन नहीं करा, 2 नहीं करा, कॉमा कर दिया तो 1 कर दिया, तो कुछ नहीं करा मैंने, तो क्या वैल्यू आएगा, आएगा क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 लेता है, ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। अब मान लो अब आप कहोगे यार 1 क्यों कर दिया मैंने मैनुअली, अब देखो मुझे एस लेना है यहाँ पर, ठीक है, अब मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगा, यानी कि रेफरेंस चेंज कर दूंगा तो इजिली ये आ जाएगा, मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया, और यहाँ पे कोमा की जगह इसको रेफरेंस दे दे कॉलम का, ठीक है एंटर, अब देखो ऐसा आ गया ना, इसलिए मैंने हटा दिया वो गलती से बाय मिस्टेकली लिखा था मैंने, ठीक है 1 आ गया। अब देखते इसमें क्या वैल्यू है, ये रेफरेंस एरर आ गया, क्यों आएगा, क्या 9 है हमारे इसमें, करते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वैल्यू है, इसलिए रेफरेंस एरर आया, और हमने रेफरेंस एरर इसलिए आया क्योंकि हमने जो लिया है वो यहीं तक लिया है, मैं यहाँ 9 तक लूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
हमें क्या करना था, यहाँ पे चेंज करना था, यहाँ पे मान लो 5 कर दिया मैंने, 5 की वैल्यू वेडनेसडे आ गई, तो वेडनेसडे 5 में है। तो यानी कि इंडेक्स सिंपली क्या करता है, जो आपकी पोजीशन है उससे वैल्यू निकालता है। अब आप देखोगे पोजीशन हम किससे निकाल रहे थे, मैच से पोजीशन निकाल रहे थे। क्या हम मैच यूज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। 4, अब मुझे ट्यूसडे का निकालना है ये कौन से नंबर पे, तो क्या क्या करेंगे, हम सिंपली मैच करेंगे, मैच लुकअप वैल्यू ये हो गई, टेबल एरे मेरा ये हो गया, ठीक है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 लगा दिया, एंटर। देखो 4 आया, सेम इसको करेंगे, तो यानी कि ये 4 मैच से निकल गया। तो हम क्या इंडेक्स में मैच यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे रो के लिए अलग लगाया, मैनुअली टाइप करा, और कॉलम के लिए भी मैनुअली टाइप करा, ठीक है। अब ये मैं इंडेक्स का और बेस्ट बताऊंगा नेक्स्ट में। अब ये क्या है, छठा और नाइन्थ पोजीशन निकालना है। मुझे नहीं पता छठे में कौन कौन सा नेम मेंशन है, तो मैंने क्या करा, इक्वल टू इंडेक्स करा, एरे मेरा ये हो गया, फिक्स कर दिया मैंने, कॉमा, कॉल रो नंबर मैंने यहां से रेफरेंस दे दिया, मैंने मैनुअली नहीं टाइप करना, मैंने यहां से रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अब कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर या तो आप मैनुअली 1 लिख दो या तो इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट 1 लेता है, ठीक है। मैंने 1 कर दिया, डे आ गया और सेल टर्न आ गया, छठे में डे है, देखते हैं करके, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 पे आया सेल टर्न, 7th 8th 9th में सेल टर्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं रिवर्स लुकअप। अब रिवर्स लुकअप, अब रिवर्स लुकअप इसलिए कहा है मैंने, क्यों, क्योंकि आप जब देख रहे हो इम्प्लॉय आईडी हम बीच में, और हमें इम्प्लॉय नेम चाहिए, यानी कि अब हम वी लुकअप से करते थे तो हम कैसे करते थे, ये आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, तो हम इसे इंडेक्स से करेंगे। इंडेक्स से कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स यूज करा मैंने, एरे में एरे मेरा ये हो गया, ठीक है, इसको इसको फिक्स कर दिया। अभी के सिंपली हमने 1,1 टाइप कर दिया, ठीक है, सिंपली 1 मतलब ताकि आप सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इम्प्लॉय जो नेम है, ये वाला इम्प्लॉय जो नेम है, ये वाला फाइंड आउट करना है, ये कौन से रो पे आ रहा है, कौन से कॉलम पे आ रहा है। तो कॉलम के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैच ही यूज करेंगे, हमें मैच, तो हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू मुझे ये चाहिए, ठीक है, एक रो फिक्स कर लिया, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, इसको फिक्स कर लिया, कॉमा 0 कर दिया। अब दूसरी दूसरा क्या चाहिए, ये कॉलम हो गया। अब इसमें क्योंकि दो पैरामीटर होते हैं इंडेक्स में, इक्वल टू इंडेक्स, इसमें दो पैरामीटर, एक रो, एक एरे होता है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। यहाँ देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, बाई डिफॉल्ट 1 करेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाई डिफॉल्ट 1 करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें 4 कॉलम है, ठीक है। अब हम क्या करें, रो नंबर हमें निकालना है, कॉलम नंबर हमें निकाल लिया, एक एम्प्लॉय नेम किस में, एक में है, यानी देखोगे एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब रो नंबर निकालना है, तो रो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सेम मेथड, इक्वल टू मैच, जैसे हमने वहां पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल करा था, इसको भी फिक्स कर देंगे, कॉमा, लुकअप वैल्यू मैंने यहां से लिया, यानी कि एम्प्लॉय आईडी यहां पर है, फिक्स कर दिया, कॉमा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। अब क्या करते हैं, 1 यानी कि जो रो है, रो मेरा ये निकला, यानी कि ये जो रो था 6 नंबर क्या है मेरा रो, इसको कॉपी करेंगे, सिंपली इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करो, और इस कॉलम की वैल्यू भी मुझे यहां से पेस्ट करनी है, कॉपी करो, और ध्यान रहे हमें रेफरेंस चेंज करना, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं ना, ड्रैग करते तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करें, यहाँ पे रो हमारा ये है, अब आपको कि रो कैसे पता चले, देखो एरे हमारा ये हाईलाइट हो गया, रो हमारा ये हाईलाइट हो गया। अब कॉलम के लिए हम कुछ 1 ले, यानी 1 को भी करना है, तो हम क्या करेंगे, ये रो 1, तो इसको अब कर दिया कॉपी, यहाँ पे अब करेंगे रो, ठीक है, ये हो गया, कैटरीना निकल गया, शायद ये एरर आएगा, क्यों एरर आएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें तो रेफरेंस हिला हुआ है ना, देखो ये नीचे से आ रहा है तो हमें ऊपर करना है, ठीक है, ये सही है, फिक्स है, ठीक है। हम F2 करके भी ना एंटर करेंगे ना, तो भी इस फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला ही पेस्ट होता है, ठीक है, F2 करके एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल फॉर्मूला ओनली, ठीक है। अब देखो अपने आप रेफरेंस भी चेंज हो गया, सेल्स का सेल्स किस में है, 1 2 3 4, फोर्थ में, क्या इसमें फोर्थ आएगा,
अब चेक करते हैं यहाँ पे F9 कीज़ हम चेक करते हैं। यहां तक ड्रैग कर लिया, फॉर्मूला में गए और कैलकुलेट नाउ कर दिया। देखो 4 आ रहा है और फोर्थ में ही है। ठीक है, रिवर्स लुको, हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं इसको। कैसे बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। अब इसको कॉपी करेंगे, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी। ठीक है, अब इसको वी लुकअप से कैसे करेंगे देखिए। हम करेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई। ठीक है, सिंपली फिक्स कर दिया मैंने। टेबल एरे, अब टेबल एरे पूछ रहा है, तो एक फंक्शन होता है चूज का, चूज। अभी आप, मैं बताता चूज क्या करता है, इसके बाद बताऊंगा। अभी कर्ली ब्रैकेट है, 1, 2, 3, 4 ले लिया। क्यों 4 लिया, 4 तक लिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 तक कॉलम है, इसलिए 4 तक लिया। फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वी लुकअप के अकॉर्डिंग सोचना है, यानी कि कॉलम 1 पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, सिंपली एम्प्लॉय आईडी कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। कॉमा 2 पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। सिंपली हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वी लुकअप के अकॉर्डिंग। कॉमा 3 पे क्या होना चाहिए, 3 में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कॉमा 4 पे क्या होना चाहिए, हमारा सेल्स वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स करते रहेंगे। ठीक है, इसको कर देंगे बंद। अब कह रहा है ये हमें, देखो टेबल एरे हो गया, अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मैंने कर दिया, एम्प्लॉय नेम किस में है, दूसरे पे। ठीक है, तो 2 कर दिया हमने सिंपली, और कॉमा 0। ठीक है, अब करें कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ही वैल्यू आएगा। एंटर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं करा। आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, एंटर। ठीक है, ये आ गया। ये गलत क्यों आया, क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारा, इसलिए। एक मिनट, F2 करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि एरे बन रहा है, इसलिए हम एक साथ नहीं कर सकते इसको। एरे बन रहा था, 3 में नहीं है, 4th में आई थिंक सेल्स। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू सेम मैच हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे चूज का कैसे करते हैं। चूज का हम करते हैं, चूज चूज से हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ये आप समझ लो एक इफ की तरह भी कह सकते हैं हम इसको। इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ये, मान लो मेरा इंडेक्स नंबर ये है, मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे 1 टाइप करूं या 2 टाइप करूं तो क्या आनी चाहिए वैल्यू। मान लो वैन 1 करा टाइप, ठीक है, 1 करा तो मेरा गुड आना चाहिए। ठीक है, 2 करा तो बैड आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ हमने कुछ लिया ही नहीं। 1 कर दिया, गुड आया, 2 कर दिया, बैड आया, क्योंकि अब हम 3 करेंगे तो देखो क्या आएगा वैल्यू, एरर। क्यों आया वैल्यू एरर, क्योंकि हमने 3 में तो दिया ही नहीं कुछ। यहाँ देखो, जब हम काउंट करेंगे गुड यानी कि 1, बैड यानी कि 2, हम कॉमा अब कर देंगे, वेरी गुड आना चाहिए। ठीक है, देखो आ गया। अब 4 करेंगे, नहीं आएगा, क्यों। तो सेम मैंने इसको चूज को क्या करा, चूज क्या करा है, बेसिकली वी लूप को ये एक टेबल बना के दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि हमारा इंप्लॉय नेम है, बट मुझे टेबल में क्या चाहिए, हमने क्या यूज करा, टेबल में 1 हमारा ये चाहिए, ये फर्स्ट टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट ही चलता है। तो ये क्या कर रहा है, चूज क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4 इस ऑर्डर में इस टेबल को लेके आ रहा है, उसके बाद हम इसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एच लुकअप क्या करता है, वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे कि मेरा ये डेटा है, जैसे इंप्लॉय आईडी यहाँ है और एम्प्लॉय नेम ही है, तो अब मुझे डेटा चाहिए सेल्स का। सेल्स किस, सेम एच लुकअप जैसे हम वी लुकअप कर रहे थे ना, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, इसको मैंने फिक्स कर दिया। कॉमा टेबल एरे पूरा ये, इसको भी फिक्स कर दिया। कॉमा अब यहाँ पे देखोगे सेल्स किस नंबर है, 1, 2, 3, 4
वहां पे भी हम यही काउंट कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम काउंट करना है। आप इसको भी मैच के थ्रू डायनेमिक बना सकते हो। अब डायनेमिक कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। कॉपी करा, ठीक है, अब इसको मैच करते हैं। अभी हमें पहले करना है ये सेल्स है कितने नंबर पे, इसको फिक्स करा। क्या फिक्स करेंगे हम, रो फिक्स करेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आए, यहाँ से, तो इसको पूरा फिक्स कर देंगे, कॉमा 0 चौथे नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चेंज करता हूँ, देखो आ गया दूसरे नंबर पे, इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। ये असेसमेंट 1 का डेटा है, यानी कि देखो इसमें से क्या करना है आपको, ये सारे डेटा है, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब एम्प्लॉय आईडी जैसे मैं टाइप करूँ, जैसे कि मान लो 1260, मान लो मैंने 1260 टाइप करा, तो यहाँ उसकी डिटेल आ जानी चाहिए, ये जितनी भी डिटेल फिल हो जानी चाहिए। तो किससे कर सकते हैं हम, वी लुकअप से करेंगे या इंडेक्स से करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं, सॉरी इंडेक्स मैथ से कर सकते हैं, वी लुकअप मैथ से ही कर पाओगे। क्यों, क्योंकि बार बार आप इम्प्लॉय नेम थोड़ा ना यहाँ पे चेंज करते जाओगे कि इम्प्लॉय नेम दूसरे में तो 2 डालू, तब इसको इंडेक्स मैथ से करना। यहाँ पे मैंने डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि इसको करना कैसे है। यहाँ पे मैंने इम्प्लॉय आईडी दे दिया, यहाँ पे इम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे जो डेटा है हमारा, ये हॉरिजेंटल है, सॉरी वर्टिकल है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हॉरिजेंटल है। तो कैसे करोगे वो देख लेना आप कैसे करना है, ठीक है। इंडेक्स मैच से ही कर लेना या वी लुकअप से करना, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना है, जिससे भी आपको सुटेबल लगे उससे कर लेना। नहीं होता मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कर रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा यदि आप बोलोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज शेयर ये चैनल, आप अपने ये चैनल नेम अपने फ्रेंडों से भी शेयर कीजिए जो एक्सेल, वीवीए, एसक्यूएल ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, और विद प्रैक्टिकल फाइल, विद असाइनमेंट। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।